झारखंड की राजधानी रांची अपनी ऐतिहासिकता के साथ साथ जल्द ही धार्मिकता के एक और प्रतीक के तौर पर जानी जाएगी। ऐतिहासिक चुटिया नगरी में राज्य का सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया गया है। लोगों के आकर्षण का केंद्र बने इस मंदिर को जल्द ही आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। देखिए इस मंदिर की विशेषता पर बनी हमारी ये खास रिपोर्ट। लिंगाष्टकम् झारखंड की राजधानी रांची स्थित ऐतिहासिक चुटिया नगरी में देश का दूसरा सबसे ऊंचा शिवलिंग स्थापित किया जा रहा है। शिवलिंग की ऊंचाई कर्नाटक के कौटिल्य लिंगेश्वर मंदिर जितनी 108 फीट ऊंची है, जिसे कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि मंदिर में शंखनाद होने पर एक मिनट तक आवाज गूंजती रहेगी। इतना ही नहीं, यहाँ होने वाली आरती की आवाज पूरे चुटिया इलाके को अध्यात्म से ओतप्रोत कर देगा। मंदिर से जुड़े समिति के सदस्यों ने इस मंदिर का नाम सुरेश्वर महादेव मंदिर रखा है। देखिए, विगत 10 वर्षों से इस मंदिर का निर्माण कार्य में हम लोग जुड़े हुए थे और आज वो 10 वर्षों का मेहनत हम लोगों का सफल होता दिख रहा है। चला कि एक कर्नाटक में 108 फीट का है, दूसरा ये झारखंड में चुटिया नगरी में ये बनाया गया। जो मंदिर का प्रारूप देख रहे हैं शिवलिंग का, ये 108 फीट का है। सामने ये प्रवेश द्वार देख रहे होंगे, ये उड़ीसा के कारीगरों के द्वारा बनाया गया था। इसको ये नर्मदेश्वर पत्थर इसको कहते हैं। ये नर्मदा नदी में पाया जाता है। उस पत्थर को, उस शिवलिंग को हम लोग यहाँ पर लाए हैं बनारस से। उसकी हम लोग प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, जो विशाल आपको दिखेगा। उस पर भी साज सज्जा बहुत अच्छे ढंग से हम लोग नाग की व्यवस्था किए हैं और भी कई तरह से साजो सज्जा इसमें करने जा रहे हैं। और लगभग मंदिर मेरी पूर्णता हो गई है। जोर शोर से तैयारी चल रही है प्राण प्रतिष्ठा की। मंदिर को पूरा करने में करीब 10 सालों का समय लगा है। मंदिर के गर्भगृह के अंदर शिवलिंग के अलावा शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसकी ऊंचाई 3.5 फीट और लंबाई 4 फीट है। वही मंदिर और दरवाजे पर पीतल की चढ़ी परत से की गई कारीगरी देखते ही बन रही है, जिसे पूरी के कारीगरों की देखरेख में बनाया जा रहा है। हजार साल पुराना वैसल करके वो प्रजाति था, वो लोग का ड्राइंग सब था, वही डिजाइन का वैसा हम स्केच लग के इसके ऊपर सब ड्राइंग करके रखा है। और ये खुद ही हाथ ने बनाया है भाई ने। और एक क्या कहते हो, इसमें जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक वो कितना ज्योतिर्लिंग है, उस सब इसमें है ऐड होके रखा है। 12 ज्योतिर्लिंग है इसमें। 4 ತಿಂದ 5 ತಿಂಗಳು ಇಡಿತು ಏನಕ್ಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಬೋಸ್ ಮಾಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ನಕಾಸ್ ಮಾಡಿ ಯೇ ಸಬ್ ನಕಾಸೆ ಕರ್ನೆ ಕೆಲಿಯೆ ಪೈಲೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕರ್ತೆ ಉಸ್ಕೆ ಉಪ್ಪರ್ ಎಂಬೋಸ್ ಕರ್ಕೆ ಉಸ್ಕೆ ಉಪ್ಪರ್ ಏಸಾ ನಕಾಸೆ ಬನಾತೆ ಹಮ್। और एक क्या कहते, ये बनाने में हमको मिनिमम 8 महीने से 6 महीना होता, लेकिन सर ने हमको थोड़ा जल्दी करना चाहिए करके बताया, इसलिए हम एक 10 से 15 आदमी मिलके ये सब काम किया है। जल्दी क्या कहते, ये प्रतिष्ठापना है था, इसलिए इतना डेट को हमको होना करके बोल दिया, इसलिए हम एक 10-15 आदमी। बता दें कि 2 सालों तक कोरोना संक्रमण के कारण प्राण प्रतिष्ठा का काम लगातार टलता रहा, लेकिन इस बार 3 से 7 मई तक होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जल्द ही मंदिर श्रद्धालुओं को सुपुर्द कर दिया जाएगा। रांची से समाचार प्लस के लिए नीरज कुमार की रिपोर्ट।